नमस्ते इंडिया। अरबी सबसे टेस्टी सब्जियों में से एक है और सबसे हेल्दी भी है। देखिए, दरअसल बहुत सारे लोग अरबी को घर पर बनाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कई लोगों को अरबी काटते और छिलते वक्त हाथों में एलर्जी हो जाती है, उनको खुजली और जलन सूजन का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी अरबी घर पर नहीं बनाते हो और बाहर से मंगा कर खाते हो, तो आपको ये वीडियो में जो टिप्स बताई गई है उसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए, जिससे कि आप अरबी को आसानी से घर पर छील भी लोगे, काट भी लोगे और बनाकर खा भी लोगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हो। देखिए, अरबी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। इसको खाकर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो, आपका बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में होता है और आपके लिए कई ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो देखिए, अगर आप बाहर से अरबी मंगाते हो तो आपको अब से ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब आप अरबी छीलते हो तो आपको सबसे पहले ग्लव्स पहन लेने हैं हाथ में, और जो बर्तन धोने का जो स्क्रबर होता है, जो स्टील का स्क्रबर होता है, उसकी मदद से आप अरबी छील सकते हो। देखिए, आपको चौंकने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब बर्तन वाला कैसे यूज़ करना है, मतलब कि आपको अनयूज्ड जो स्क्रबर होता है, जो स्टील का स्क्रबर होता है बर्तन धोने वाला, उससे आप अरबी छील सकते हो। आपको क्या करना है, पहले अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेने हैं, फिर उस स्क्रबर की मदद से आप अरबी को छीलते जाओगे, तो इससे चिकनाहट भी कम होगी और आपको आपके हाथ जो है वो कवर है, इसलिए आपके हाथ भी बच जाएंगे, आपको खुजली भी नहीं होगी और चिपचिपाहट भी नहीं होगी। इसके अलावा आपको एक काम और करना है, अगर आप अरबी उबालने वाले हो, बॉयल करने वाले हो, तो आपको बॉयल करते समय उसमें पानी डाल देना है ताकि उसकी चिकनाहट निकल जाए। अगर आप ऐसे ही कच्ची छीलने वाले काटने वाले हो, तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर पहले से ही अरबी के ऊपर ढेर सारा नमक डालकर उसको साइड पर रख देना है। फिर जैसे ही थोड़ा टाइम होगा तो आप फिर जब अरबी छीलोगे या फिर काटोगे, तो इससे चिकनाहट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी और इससे होने वाली खुजली भी बहुत ही ज़्यादा, उसका रिस्क ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको ज़रूर करना है। इसके अलावा बाय चांस अगर आपको खुजली हो गई, मतलब कि आप नमक डालना भूल गए हो और आपने अरबी ऐसे ही छील ली और बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है, तो सबसे पहले अपना हाथ धो लीजिए, हाथ में पानी से धो लीजिए। फिर आपको तुरंत ही नींबू का रस निकाल कर अपने हाथों पर अच्छे से लगा लेना है। इससे क्या होगा कि सूजन कम हो जाएगी और खुजली में भी तुरंत ही थोड़ी ही देर बाद आपकी खुजली भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास घर पर नींबू का रस नहीं है, उस टाइम पर मौजूद नहीं है, और अगर आपके पास बेकिंग सोडा पड़ा हुआ है, तो आपको बेकिंग सोडा से आप वो खुजली को शांत कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी डालना है और मतलब एक घोल तैयार कर लेना है, फिर उसके अंदर अपने हाथों को डुबा देना है। यानी कि एक बाउल में थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लिया, थोड़ा सा पानी ले लिया, और आप एक बाउल के अंदर इन दोनों को डालकर अपने हाथों को इसके अंदर डुबा दीजिए। इससे भी खुजली ख़त्म हो जाएगी और आपको सूजन में भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाएगी। इसके अलावा उस टाइम पर बेकिंग सोडा भी आपके पास नहीं है, तो आप एलोवेरा जेल से भी काम चला सकते हो। देखिए, एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल का जूस निकाल लेना है, मतलब कि उसका जो भी जेल होता है वो सारा निकाल लेना है और अपने हाथों पर लगा लेना है। इससे सूजन हो, खुजली हो, या तो फिर जो आपको चिकनाहट हो रही है, बहुत ज़्यादा चिपचिपे हाथ हो गए हैं, सूजन हो गई है, और जो जलन होती है, उससे भी आपको एलोवेरा जेल से राहत मिल सकती है। देखिए, यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा की जो बात की है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और चीज़ से अगर आपको खुजली हो रही है तो आप ये ट्रिक ट्राई करो, ऐसा नहीं है। अगर आप अरबी से खुजली हो रही है तो ही आपको बेकिंग सोडा वाला जो भी हमने ट्रिक के बारे में बात की, तभी ही आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। अगर किसी और चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।